हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो। मैं वापस आ चुका हूँ मारुति सुजुकी अरीना शोरूम में, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फ्रंट में आप देख पा रहे, ये रही मारुति की वैगनआर ZXi मैनुअल पेट्रोल के साथ, जो की आप यहाँ पे सिल्वर के साथ देख पा रहे। तो ओवरऑल आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बताएंगे की वैगनआर की अगर आप ZXi पेट्रोल मैनुअल के साथ लेते हैं तो यहाँ पे इसकी एक्सोरूम ऑन रोड आपको क्या पड़ने वाली है, साथ में इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल्स की। तो ये चार वेरिएंट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नीचे के वेरिएंट में जाते हैं तो LXi और VXi में 1 लीटर 1000 cc की इंजन आपको मिलती है, जबकि इसके अपर के वेरियंट ZXi या ZXi प्लस में जाते हैं तो वहां पे 1.2 लीटर 1200 cc की इंजन मिलने वाली है। अगर वैगनआर में एक ऐसी मॉडल लेने का प्लान करे जिसमें पावर पिकअप काफी अच्छी मिले, गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिले, साथ में गाड़ी की माइलेज भी ठीक ठाक मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी ZXi वेरिएंट ले सकते हैं, जो कि एज अ एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल से, जहां पे जरूरत की सारी फीचर्स मिलती है वो भी आपके बजट में। तो आज इसी की वीडियो होने वाली है। साथ में अब बात करते हैं ये सारी कलर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये वैगनआर ZXi वेरिएंट में आपको मिलने वाली है। तो अब बिना देर किए हुए अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में और बात करते हैं कि इस वेरिएंट को लेते हैं तो यहां पे आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आ चुके गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के लाइट के सेटअप में। तो यहां पे रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन बल्ब आपको मिलने वाली है, हाई बीम लो बीम की यहीं पे आपको प्लेसिंग होने वाली है, साथ में टर्न इंडिकेटर नीचे मिलने वाली है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलती है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है। इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ आने वाली है, डिजाइनिंग को जो टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है, साथ में बीच में आप लोगो देख पा रहे होंगे। बात करते हैं गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल की, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेडिएटर ग्रिल मिलने वाली है, साथ में फ्रंट में जो स्कीड प्लेट है वो मैट ब्लैक कलर के साथ होने वाली है। साथ में इसकी बोनेट की डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे कर्व डिजाइनिंग मिलने वाली है, जो की आगे से गाड़ी को एरोडायनेमिक बना के रखती है, साथ में इमरजेंसी केसेस में गाड़ी को फ्रंट से टो करना है तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के साइड के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे अच्छी बात कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 165 mm मिलने वाली है। हालांकि इसमें अलॉय व्हील आपको नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर सिल्वर के साथ मिलने वाली है। टायर की बात की जाए तो ये MRF कंपनी की होने वाली है। टायर प्रोफाइल 165/70 R14 inch की मिलती है। फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम और यहाँ पे मैंने ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी बताई दिया। अब आते हैं गाड़ी के ORBM में, तो ये बॉडी कलर के साथ होने वाली है। हालांकि जो इसकी टर्न इंडिकेटर ये फेंडर में मिलने वाली है, इसे इलेक्ट्रिक रूप से एडजस्ट करना चाहते हैं अंदर के मिरर को तो आप कर सकते हैं, हालांकि फोल्ड मैनुअली रूप से करनी पड़ती है। डोर हैंडल्स की बात की जाए तो ये भी आपको बॉडी कलर के साथ मिलने वाली है। गाड़ी को लॉक अनलॉक मैनुअली रूप से आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि इस गाड़ी में जो आपको की मिलने वाली है वो कीलेस एंट्री के साथ मिलने वाली है। चाबी में आपको लॉक अनलॉक की बटन्स आपको मिलने वाली है और जब भी आप लॉक करते हैं तो कुछ इस टाइप की आपको साउंड यहाँ पे आती है, ताकि आपको प्रॉपर ये समझ में आए कि आपकी गाड़ी लॉक या अनलॉक हुई है। अब आते हैं गाड़ी के रूफटॉप में, तो इसकी आप डिजाइनिंग देख पा रहे, साथ में यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ एक बीट मिलने वाली है जो आप यहाँ पे देख पा रहे, और रेगुलर वायर के साथ यहाँ पे एंटीना मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देखो यार इसकी बैकलाइट काफी अच्छी मिलने वाली है। सबसे ज्यादा इनहेंस करती है इसकी टेल लैम्प, जो कि यहाँ पे काफी बिग साइज में आने वाली है। सबसे पहले ऊपर में इसकी टेल लैम्प आप देख पा रहे, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट की प्लेसिंग होने वाली है, हालांकि ये तीनों रेगुलर बल्ब के साथ मिलती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलने वाली है, नीचे आपको लोगो मिलती है। साथ में वैगनआर की ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ इसकी पीछे की ब्रांडिंग होने वाली है। देन पीछे आप रिफ्लेक्टर देख पा रहे, साथ में यहाँ पे पीछे दो पार्किंग सेंसर मिलने वाली है। पीछे की इसकी जो स्कीड प्लेट है वो बॉडी कलर के साथ मिलने वाली है, और पीछे इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करना है तो नीचे आपको टोइंग हुक मिलती है। इसके साथ करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलती है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। साथ में ये पूरी तरह से ब्लैक कलर में कवर की गई है। अब यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलने वाली है वो 341 लीटर के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे आप पार्सल ट्रे देख पा रहे, इसके साथ जब भी आप गाड़ी डिलीवर लेते हैं तो कुछ इस टाइप की प्लास्टिक मिलने वाली है, जहाँ पे गाड़ी की जैक, टूल किट, गाड़ी की मैनुअल बुक, फर्स्ट एड किट और रिफ्लेक्टर मिलने वाली है। इंश्योर करें कि जो मैंने आपको बताया प्रॉपर यहाँ पे मिल रही हो। अब बात करते हैं गाड़ी की स्टील रिम की, तो यहाँ पे ब्लैक पेंटेड MRF कंपनी के साथ आने वाली है। टायर की बात की जाए तो 165/70 R14 inch की यहाँ पे स्टील रिम मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो इसकी इंटीरियर देखो यार, डुअल टोन के साथ इसकी सीट मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सीट ही दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो यार, काफी अच्छी फैब्रिक डिजाइनिंग के साथ मिलती है, साथ में यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग के साथ मिलती है। देन सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की थाई सपोर्ट की, तो बड़े लोग भी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। यहाँ पे जो दोनों हेडरेस्ट है वो हालांकि फिक्स मिलने वाली है, लेकिन देखो यार 60/40 फोल्डेबल यहाँ पे सीट मिलने वाली है। साथ में जो मिडिल में बैठेंगे उनके लिए 2 point वाली सीट
सीट बेल्ट। अब गाड़ी के रियर डोर्स के ट्रिम्स में आते हैं तो ये पूरी तरह से ब्लैक कलर के साथ आने वाली है, साथ में ये सिल्वर के साथ मिलने वाली है। नीचे किया कॉइन कैरी करनी है, साथ में पावर विंडोज, नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर। हालांकि इसमें पीछे आपको स्पीकर्स नहीं मिलती है, लेकिन रेगुलर कार्स की तरह यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो यहाँ पे देखो यार लेग स्पेस काफी अच्छी मिलती है, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे और यहाँ पे काफी इसकी अच्छी विड्थ मिलने वाली है, 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे। इसके साथ ऊपर में आप देख पा रहे तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप्स मिलती है। अब आ चुके गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में, तो यहाँ पे डुअल टोन के साथ मिलती है, जो कि मैं आपको आगे कवर करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। जैसे इधर आते हैं तो चारों पावर विंडो, ड्राइवर के साइड ऑटो पावर विंडोज मिलने वाली है, पावर विंडोज को लॉक करना है, साथ में सेंटर लॉकिंग और बाहर की ORBM को एडजस्ट करनी है तो कंट्रोल्स आपको मिलती है। हालांकि फोल्ड आपको मैन्युअली रूप से करनी पड़ती है। इधर आपको किया कॉइन कैरी करना है, नीचे 1 लीटर की बोतल होल्डर, साथ में मैगजीन होल्डर और ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्रंट में इसमें स्पीकर्स मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो इसकी देखो यार डुअल टोन मैंने बताया ना, काफी अच्छी लगने वाली है, प्रीमियम फील करवाती है। थाई सपोर्ट इसकी काफी अच्छी मिलने वाली है, शोल्डर सपोर्ट भी यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। हालांकि इसकी जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे फिक्स मिलने वाली है। इसके ड्राइवर सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो इजी वे में आप कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग में, तो यहाँ पे आपको एक चेंजमेंट मिलने वाली है जो कि VXI नीचे की वेरियंट में नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले ये जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ड स्टीयरिंग मिलने वाली है, 3 स्पोक के साथ, यहाँ पे सिल्वर की डिजाइनिंग, बीच में लोगो और कुछ इस टाइप की हॉर्न आपको मिलने वाली है। साथ में ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आप देख पा रहे जिसके थ्रू म्यूजिक सिस्टम को आप ऑपरेट करते हैं, ये VXI के वेरिएंट में नहीं मिलने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि एसेसरीज में आप लगा भी नहीं सकते। साथ में कॉल रिसीव करना, कट करना, ब्लूटूथ की सारी कनेक्टिविटी मिलती है। इसके साथ राइट साइड के डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन, लाइट लेबलिंग वाली आपको स्विच मिलने वाली है। गाड़ी के बोनेट को ओपन करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ गाड़ी के फ्यूल लिड को ओपन करना है तो ड्राइवर सीट के नीचे प्लेसिंग होने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे डुअल टोन के साथ मिलने वाली है, अपर में ब्लैक एंड यहाँ पे बीज कलर की इंटीरियर मिलने वाली है। साइड की जो AC वेंट है वो राउंड शेप में और साइड में आपको सिल्वर की डिजाइनिंग मिलने वाली है। साथ में इसकी ग्लोबॉक्स देखो यार, काफी डेप्थ में यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम मिलेगा वो मैनुअली ऑपरेटेड आपको ब्लूटूथ और FM कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव डाल सकते हैं, साथ में ऑक्सपोर्ट आपको मिलने वाली है जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सारे नोब और सारे बटन म्यूजिक की यहीं पे मिलने वाली है। देन बीच में हैजार्ड लाइट की बटन और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलने वाली है। ये जो म्यूजिक सिस्टम है 2 स्पीकर्स के साथ यहाँ पे मिलती है। साथ में नीचे जैसे आते हैं तो 12 वोल्ट का रेगुलर चार्जर और यहाँ पे स्पेस मिलती है, यहाँ पे कुछ कैरी करनी है तो आप कर सकते हैं, फोन पर्टिकुलर वहाँ पे रख पाएंगे। अब आते हैं गाड़ी के गियर्स में, तो 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ पूरी तरह से लेदर कवर होने वाली है। यहाँ पे देखो यार काफी अच्छा स्पेस मिलने वाली है, छोटे मोटे कफ या फिर बोतल कैरी कर पाओगे। यहाँ पे साइड में भी स्पेस मिलने वाली है, यहाँ पे भी स्पेस मिलती है और इसकी हैंड ब्रेक काफी अच्छी और काफी टॉल मिलने वाली है। अब आ चुके गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे एनालॉग के साथ बीच में एक छोटा सा डिस्प्ले मिलती है जहाँ पे जरूरत की सारी फंक्शन मिलने वाली है। सबसे पहले फ्यूल लो है तो वार्निंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और राइट साइड में आते हैं तो डॉट्स ओपन है, सीट बेल्ट अभी मैंने नहीं लगाया वो आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ अगर आप नीचे आप देखते हैं तो गाड़ी में फ्यूल कितनी है, गाड़ी चली कितनी है, टाइम कितना, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। राइट साइड में एक नॉब मिलती है जहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B ऑटो देख पाएंगे, साथ में गाड़ी क्या रेंज दे रही है, क्या एवरेज दे रही है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जरूरत की सारी फीचर्स यहाँ पे ZXI के वेरियंट में मिलती है। अब जैसे ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप्स मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे वैनिटी मिरर, एक रेगुलर लाइट विथ माइक के साथ, डे नाइट के साथ IRBM मिलने वाली है और यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर मिलती है। इसके साथ सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे 2 एयरबैग्स मिलती है, को ड्राइवर और दूसरा ड्राइवर के साइड में। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे इसकी जो इंजन की प्लेसिंग है यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिलने वाली है और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो इंजन है ये 4 सिलेंडर के साथ आने वाली है, तो इसकी इंजन की रिफाइनमेंट काफी अच्छी मिलती है। इसके साथ पावर पिकअप भी यहाँ पे आपको 1 लीटर 1000 cc के कंपैरिजन में तगड़ी मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी इंजन की, तो यहाँ पे 1.2 लीटर 1200 सीसी की आपको इंजन मिलने वाली है जो कि एडवांस के सीरीज डुअल जेट डुअल VVT यहाँ पे इंजन मिलती है। साथ में यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन मिलने वाली है। अब इस इंजन से जो मैक्सिमम पावर जनरेट होगा वो 89 PS का पावर जनरेट होने वाला है और इसकी बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहाँ पे 130 Nm इसमें आपको टॉर्क मिलती है। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी को लेते हैं तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलेगा वो 2 साल या 40,000 का कवरेज होता है, लेकिन इसे अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो टोटल
आप इसे 5 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे ABS, EBD, CSC मिलने वाली है, फ्रंट में डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, इसके साथ पीछे पार्किंग सेंसर, साथ में यहाँ पे 2 एयरबैग्स मिलने वाली है, तो जरूरत की यहाँ पे सारी सेफ्टी फीचर्स मिलने वाली है। साथ में अब बात करते हैं कि अगर आप वैगनआर ZXi मैनुअल के साथ लेते हैं तो इसकी जो माइलेज आपको मिलने वाली है वो 23.56 किलोमीटर पर लीटर के अनुसार करने वाली है, तो इस गाड़ी से आप हंस के 18 से 20 आप माइलेज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप वैगनआर ZXi मैनुअल अगर आप लेते हैं तो 6,28,000 इसकी एक्सोरूम पड़ने वाली है, और इस गाड़ी को हजारीबाग अरीना शोरूम से लेने का प्लान करते हैं जो कि झारखंड में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ऑन रोड पड़ने वाली है, ये रहा वीडियो में नंबर, आप इसमें कॉल करो और यहाँ पे वैगनआर के साथ साथ मारुति की कोई भी न्यू गाड़ी की इंक्वायरीज आप कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो अगर वैगनआर लेने का प्लान कर रहे वो भी वैल्यू फॉर मनी के साथ, जहाँ पे जरूरत की सारी फीचर्स मिल जाए, और ऐसी फीचर्स इस गाड़ी में मिलने वाली है जो कि आप एसेसरीज में भी आप उसे नहीं लगवा सकते, तो ओवरऑल ये कम प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी वाली मॉडल्स हो जाती है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।